हाय गाइस, आई एम चिंटू स्टंटर पैक विद माय न्यू वीडियोस। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बाइक का माइलेज कैसे मेंटेन कर पाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आपको दे। हाँ, तो गाइस मैं बता देता हूं कि ये बुलेट में ही नहीं, सिर्फ और भी बाइक हो या फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, आप खुद से ही मेंटेन कर पाओगे अपना खुद का बाइक का माइलेज या कार का माइलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइलेंसर कभी चेंज करने का नहीं है, क्योंकि अदर साइलेंसर में फ़िल्टर सही नहीं होता है, उसके कारण आपके माइलेज भी माइनस में जा सकता है और इंजन में भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे फ़िल्टर लगता है और भी बहुत सारा बाइक का यहाँ पे फ़िल्टर लगता है, उस साइड पे भी लगता है। तो बहुत सारा फ़िल्टर चेंज करने के लिए आपका एक कैनन आता है, ऑनलाइन में भी वो मिलता है, बट वो लगाना सही नहीं है गाइस, क्योंकि उसे माइलेज में भी इफ़ेक्ट पड़ता है और इंजन में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए वो लगाना ही नहीं है। माइलेज बहुत ही गंदा देगा, उससे और भी गंदा देगा, इसलिए गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना लगाएं। अगर आपका ये फिल्टर गंदा हो गया, डस्ट बैठ गया, तो आप इसे चेंज कर सकते हो, बट उसे ना लगाएं। हाँ, तो गाइस बाइक पे कभी मोटा टायर ना लगाएं, ओरिजिनल जो है वही रहने दें, क्योंकि इसके कारण बाइक पे लोड होने के कारण आपका माइलेज भी घट सकता है और इंजन में भी ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण वो और भी तेल पी सकता है। इसलिए गाइस कभी भी ओरिजिनल टायर छोड़कर कभी मोटा टायर ना लगाएं, जो है वही रहने दें। अगर आपका टायर फट गया, कट गया, कुछ भी हो गया, तो ओरिजिनल ही लगाएं। एज बाइक हो या कार हो, कुछ भी हो, आप स्पीड लिमिट 40-80 का स्पीड लिमिट रखिएगा, तो आपका माइलेज अच्छा ही अच्छा देगा। और गियर भी आप चेंज ना करें, 3-5 गियर के अंडर में चलाएं तो बेस्ट रहेगा गाइस। जैसे कि एग्जांपल एक देता हूं मैं, कभी नल खुला होगा, नल का जैसे भी नल खुला होगा स्पीड से, तो पानी उसमें से स्पीड से निकलता है और जैसे ही स्लो करते हैं वैसे ही स्लो गिरता है। उसी तरह मेरा ये एक्सीलेटर है, इसको जितना ही दूर दोगे उतना ही तेल ज़्यादा पिएगा और जितना ही कम करोगे उतना ही तेल कम पिएगा। इसलिए गाइस आपके ऊपर डिपेंड है माइलेज कैसे मेंटेन कर पाए खुद से। गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आप और किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, उस टाइप का मैं लेकर आऊँगा।